कभी कभी कुछ बीमारियों में पता लगाना मुश्किल होता है कि वे खुद ही ठीक हो सकती है या फिर हमें डॉक्टर की जरूरत है। ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रश्न, क्या कुछ ऐसे भी शारीरिक दिक्कतें हैं जिन्हें अपने भीतर ठीक किया जा सकता है? किन दिक्कतों में बाहरी मदद यानी थेरेपी, दवाओं और सर्जरी की जरूरत पड़ती है? उनके बीच अंतर कैसे करें? सदगुरु कहते हैं, आधुनिक हेल्थ केयर सिस्टम काफी लोगों को बाहरी मदद लेने के लिए उकसाती है, भले ही उसकी जरूरत ना हो। यह एक संस्कृति बन गई है, मगर उससे भी ज्यादा यह एक बड़ा कारोबार बन गया है। अमेरिका के 19 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में से करीब 3 ट्रिलियन डॉलर हेल्थ केयर पर खर्च होता है। यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। बहुत सारी प्रक्रियाएं, उपचार और सर्जरी काफी हद तक गैर जरूरी होते हैं, मगर उनका होते रहना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, इसलिए आपको इन्हें चलाते रहना पड़ता है। सिर्फ कुछ खास चीजों में बाहरी दखल की जरूरत होती है। सवाल है कि इनमें अंतर कैसे करें? पहले तो आपको हर वह चीज करके देखनी चाहिए जो संभव हो। फिर भी अगर काम न बने तब आप बाहरी मदद ले सकते हैं। हो सकता है ये बात आधुनिक समाज के हिसाब से बिल्कुल अलग लगे, लेकिन अगर आप ठीक से ध्यान दें तो आपको हमेशा किसी महान विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपके हाथ में दर्द है, तो सिर्फ ध्यान से देखने से आप ये समझ सकते हैं कि ये खास मांसपेशी सूजी हुई है, इसलिए इसे आराम की जरूरत है। मगर कोई अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता, वे बस विशेषज्ञ की राय लेना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ही विशेषज्ञ है, क्योंकि एक डॉक्टर कभी नहीं जान सकता कि कहां और कितना दर्द हो रहा है। वह सिर्फ उतना ही जानता है जितना आप उसे बताते हैं, या वह उंगली से छूकर पूछता है, और आप उसे जैसा बताते हैं उसी से वह जान पाता है। तो सबसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन अगर आपके जीने का तरीका ऐसा है कि आप सिर्फ ऊपरी सतह पर ध्यान देते हैं, शरीर पर नहीं, तो किसी और को बताना पड़ेगा कि किस मांसपेशी को आराम चाहिए और किसे कसरत। हो सकता है कि आप ये जानने के बाद भी जरूरत के अनुसार कसरत न करें, क्योंकि आप आलसी हैं, आपके पास समय नहीं है, या ऐसा ही कुछ कारण है आपके पास। ये अलग चीज है। लेकिन अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो हर कोई इसे जानने में समर्थ है कि उसे आराम की जरूरत है या कसरत की। आपको यह जानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें आप नहीं जानते, जिनके लिए आपको एक विशेषज्ञ की जरूरत होती है। वह आपको बताता है कि आपके शरीर में क्या गड़बड़ी है। अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो हो सकता है कि आपको पता ना चले, आप समझ नहीं पाते कि ऐसे लक्षण क्यों हो रहे हैं, फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। मगर रोजाना लोगों के सामने जो ढेर सारी समस्याएं आती है, उनके लिए आपको किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। आप मुझसे पूछे तो अगर लोग अपना खानपान सही कर ले और अपनी खुशहाली के लिए कुछ चीजें करने को तैयार हो, तो 70-80% उपचार और 60% सर्जरी के बिना भी लोग ठीक रह सकते हैं। मेरे ख्याल से औसतन 70% बीमारियों के लिए इलाज की जरूरत नहीं होती, उनके लिए अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन की जरूरत होती है। लगभग 30% बीमारियों का इलाज और बाहरी मदद की जरूरत होती है। अगर लोगों के खुद के साथ सही चीजें करने पर दुनिया की 70% उपचार की जरूरत गायब हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि मानव जाति अधिक से अधिक सेहतमंद है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जिसमें आलसी और अज्ञानी लोगों के लिए थोड़ी गुंजाइश हो सकती है, मगर बाकी सब
थोड़ा सा ध्यान देकर और कोशिश करके अपनी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। जब भी मुझे थोड़ी बहुत परेशानी होती है, मैं हमेशा डॉक्टर से पूछता हूं क्या हुआ है। वे बताते हैं आपको ये हुआ है, आपको वह दवा लेनी होगी। मैं वह दवा नहीं लेता, मगर कुछ और करता हूं। मेरे आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं, फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मैं बस एक राय लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मगर मैं उसे जांचता भी हूं। मैं इतना अहंकारी नहीं हूं कि बस सोच लूं कि यही है, इसलिए मैं बस जांचता हूं। मगर क्या मुझे उनकी सलाह मानने की जरूरत है? नहीं, मैं वह करूंगा जो मेरे लिए सबसे बेहतर कारगर होता है। इसके लिए खुद पर ध्यान देने और जागरूकता के एक खास स्तर की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिए कि सेहत की जरूरत से अधिक चिंता करना भी खुद में एक बीमारी है। अगर आप दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में, सेहत के बारे में मौजूद किताबों की संख्या और छपे पन्नों की मात्रा को देखें, तो लगता है कि सेहत को लेकर बहुत अधिक मोह है। यह अपने आप में एक बीमारी है। तो क्या आपको सेहत को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए? हां, होना चाहिए, मगर आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर की हर कोशिका कुदरती रूप से सेहतमंद होना चाहती है। आपको अपने मन में इसे लेकर इरादा करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में सेहत एक इरादे की तरह तभी आती है जब आप गलत खाते हैं, गलत तरह से जीते हैं, गलत पीते हैं, गलत तरह से सांस लेते हैं, सब कुछ गलत करते हैं। फिर आपको ये इरादा करना पड़ता है, मैं सेहतमंद होना चाहता हूं। अगर आप ये सभी चीजें सही तरह से करते हैं, तो आपको नहीं सोचना पड़ता कि मैं सेहतमंद होना चाहता हूं। आपके शरीर की हर कोशिका सेहतमंद होने के लिए लालायित इच्छा कर रही है। बस उन्हें अकेला छोड़ दे, उन्हें बीमार न बनाए, वे खुद अपना काम कर लेंगी। मगर हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम गलत चीजों को सांस से अंदर ले रहे हैं, जो चीजें नहीं पीनी चाहिए उन्हें पी रहे हैं, अनजाने में ऐसी चीजें खा रहे हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। थोड़ी अधिक सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि हम आज एक जहरीली दुनिया में जी रहे हैं। हमने खाने पीने की हर चीज को जहरीला बना दिया है, मगर सेहत शरीर और शरीर की हर कोशिका की एक कुदरती चाह होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको एक मिशन की तरह चलाना पड़े। धन्यवाद।